हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तुषार। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जल्द ही मारुति सुजुकी अपनी नई जनरेशन की विटारा ब्रेजा भारत में लॉन्च करेगा। नई विटारा ब्रेजा में आपको नए एक्सटीरियर के साथ साथ नया इंटीरियर मिलेगा और साथ ही साथ बहुत सारे नए फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको मिलेंगे दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में नई विटारा ब्रेजा के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले तो अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें, तो मारुति की नई विटारा ब्रेजा आपको 2021 की शुरुआत में लॉन्च होती दिखाई देगी। मारुति की नई विटारा ब्रेजा का मुकाबला टाटा की नेक्सॉन, किया की सोनेट, महिंद्रा की XUV300 और निसान की मैग्नेट जैसी सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUV से होने वाला है दोस्तों। अगर हम मारुति की आने वाली नई ब्रेजा के एक्सटीरियर लुक्स की बात करें, तो इसमें आपको पुराने ब्रेजा वाले ही डायमेंशंस मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको सुजुकी की बेजिंग के साथ नए क्रोम की ग्रिल मिलेगी और साथ ही साथ नए डिज़ाइन के हेडलाइट्स मिलेंगे, जो कि प्रोजेक्टर और LEDs के साथ आएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको नए डिज़ाइन के फोग लैंप भी मिलेंगे दोस्तों। साइड प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें आपको R16 और R17 के स्टील रिम्स और अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। और इसमें आपको 190mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी दोस्तों। अगर हम इसकी रियर प्रोफाइलिंग की बात करें, तो इसमें आपको नए डिज़ाइन के LED टेल लैंप्स मिलेंगे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा शानदार होंगे दोस्तों। और साथ ही साथ पीछे आपको वाइपर और डिफॉगर का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इसके एक्सटीरियर में आपको ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, शार्क फिन एंटीना, रियर स्पॉयलर, फ्रंट एंड रियर स्किप प्लेट्स, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स जैसे शानदार फीचर्स इसके एक्सटीरियर में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। मारुति की नई ब्रेजा में आपको डुअल टोन कलर के ऑप्शन भी अवेलेबल कराया जाएगा दोस्तों। अगर हम मारुति के आने वाली नई ब्रेजा के इंजन की बात करें, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 105 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा। ये इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल और 4 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। अगर आप इसका ऑटोमेटिक वेरियंट खरीदेंगे, तो इसमें आपको हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिलेगा दोस्तों। इस इंजन के साथ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा में आपको 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन भी मिलेगा, जो कि 120 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा। मारुति की नई ब्रेजा में मिलने वाला ये इंजन आपको CVT के गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ ही मिलेगा दोस्तों। अगर हम नए ब्रेजा की इंटीरियर की तरफ चलें, तो इसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा, जो कि सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ आएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको 8 से 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम भी मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ इसमें इनबिल्ट नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। नए ब्रेजा के इंटीरियर में आपको वायरलेस चार्जिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, रियर सीट विद AC वेंट्स, रियर पार्किंग सेंसर विद कैमरा, क्रूज कंट्रोल, 6 स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे शानदार फीचर्स इसके इंटीरियर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी सेफ्टी की बात करें, तो इसमें आपको हाई स्टैंड स्टील बॉडी, ऑल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, हिल डिक्लाइन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ऑल डिस्क ब्रेक जैसे शानदार सेफ्टी के फीचर नई मारुति की विटारा ब्रेजा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर हम इसकी कीमत की बात करें, तो भारत में नई ब्रेजा की कीमत 7 लाख से शुरू होकर 11 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है दोस्तों, जो कि एक शोरूम प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों, आपको मारुति की आने वाली नई विटारा ब्रेजा कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, ये भारत में पुरानी वाली ब्रेजा जितनी बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों, तुम्हारे भाई का चैनल है। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके फॉलो करो। ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।